नमस्कार, केसीएन टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं माया पांडे। आइए डालते हैं ताजा खबर पर एक नजर। बलियापुर स्थित कुसुमाटांड हाई स्कूल में एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद एवं अशरफी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अशरफी हॉस्पिटल धनबाद के चिकित्सकों द्वारा शिविर में आए मरीजों का बीपी, शुगर, पल्स, वेट, ईसीजी जांच की सुविधा उपलब्ध की गई, साथ ही साथ चिकित्सा का परामर्श भी दिया गया। सिंदरी के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी और धनबाद टुडे व केसीएन टीवी के संपादक मोहम्मद जहीरुद्दीन खान को गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया। इस शिविर में क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भी अपनी अहम भूमिका अदा की। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष लखन विश्वकर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह, महासचिव अशोक पांडे, वरिष्ठ सदस्य शिव शंकर यादव, अधिवक्ता सह पत्रकार रंजन सिम्हा, पत्रकार शिशिर कुमार मिश्रा, राकेश कुमार गुप्ता, दीनानाथ सिंह, संजीत सिंह, किशोर कुमार वर्मा, जवाहर यादव, श्याम कुमार प्रसाद, मिलन ओझा, आशीष दत्ता, मनोरंजन कुमार, लग्नचंद्र पांडे, जगदीश हरी, सतीश कुमार, अनुराग कुमार, भिखारी रामधारी, रामेश्वर कुमार सिंह एवं अशरफी हॉस्पिटल के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मोहम्मद रऊफ के अलावा काफी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। आप सुनते हैं इस मौके पर पहुंची केसीएन टीवी चैनल की टीम से अशरफी हॉस्पिटल के डॉक्टर और राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के धनबाद जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, आप बने रहे। कुसुमाटांड हाई स्कूल में लगे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में सिंदरी भाजपा विधायक की पत्नी तारा देवी भी पहुंची, जहां उनका मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने बूके देकर स्वागत किया। आप देख रहे हैं केसीएन टीवी चैनल, आप बने रहें हमारे साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। केसीएन टीवी चैनल और धनबाद टुडे के संपादक को भी इस मौके पर बुके देकर सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं यह तस्वीर कोला कुसुमा हाई स्कूल से स्वास्थ्य जांच शिविर के पावन मौके पर। कोला कुसुमा हाई स्कूल में लगे जांच शिविर में काफी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपने जांच कराया। कुसुमाटांड हाई स्कूल, जहां पर आज स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, अशरफी हॉस्पिटल की टीम है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद कि आप देख रहे हैं काफी संख्या में यहाँ पर पदाधिकारी कार्यकर्ता कर्मठ रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं और लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। सहयोग इस मामले में पानी, नाश्ता या और भी जो सुविधा होनी चाहिए लोगों को जो यहाँ पर जांच के लिए आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी लोग काफी तत्पर दिख रहे हैं। हम इस बीच बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष लखन विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं कि उन्होंने क्या तैयारी कर रखी है, आप बताएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की ओर से हम लोगों ने सोचा कि दूर दराज गांव में जो भी असुविधा के कारण अस्वस्थ होते हैं और इस कारण से मृत्यु की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन का भी मार है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अपनी संस्था की ओर से कम हेल्थ चेकअप कैंप लगा करके दूर ग्रामीण लोगों को इसका फायदा दे सके। जितना भी हो सकेगा हम लोग ग्रामीणों को मदद करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। इससे पहले भी इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किए हैं क्या?
इससे पहले भी बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम किए हैं, छोटा छोटा कार्यक्रम किए हैं, और हम लोग मानवाधिकार से हैं, इसलिए मानव का कोई भी किसी तरह का किसी भी मानव को किसी तरह की क्षति होती है, और यदि हम लोगों के पास इसकी सूचना मिलती है या नहीं भी मिलती है तो हम लोग तत्पर होकर के उस मामला को उठा करके आगे ले जाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जी, आपने देखा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद जैसा नाम वैसा काम को अंजाम दे रहा है और आगे भी अंजाम देता रहेगा, जैसा कि जिला अध्यक्ष लखन विश्वकर्मा जी का कहना है। तो हमारे साथ लखन जी बने हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद केसीएन टीवी चैनल से बात करने के लिए, और पूरी टीम को केसीएन टीवी चैनल की ओर से आप सभी को इस नेक काम के लिए मेरी ओर से और पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। टीवी चैनल की टीम आज अत्यंत पिछड़े इलाके में जो बलियापुर में आता है कुसमाटांड हाई स्कूल, आज वहां पहुंची हुई है। यहां पर हेल्थ कैंप लगा है, मुफ्त जांच शिविर, असरपी हॉस्पिटल के सौजन से और राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित है। आप देख रहे हैं हमारे साथ यहां पर असरपी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम है और राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के पदाधिकारी भी मौजूद हैं जो काफी तत्पर दिख रहे हैं कार्यक्रम में। सभी लोगों का सहयोग हो रहा है और ग्रामीण लोग जो इलाज से वंचित रह जाते हैं पैसे के अभाव में, आर्थिक अभाव में, उनका फुल बॉडी जांच हो नहीं पाता है और तरह तरह से वह संक्रमित होकर पीड़ित होकर असमय मौत के गाल में समा जाते हैं, तो यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। और सुबह से यह कार्यक्रम आज चल रहा है, कई नेताओं का आगमन हुआ, कई समाज सेवियों का आगमन हुआ, सभी ने इस कार्यक्रम को सराहा। अब हम बात करेंगे असरपी हॉस्पिटल के यहां पर जो आए हुए हैं डॉक्टर जफर साहब जी से। आप बताएं कि आज जो शिविर यहां पर लगाया गया है इसका क्या उद्देश्य है? इसका ये उद्देश्य है, जो गरीब जो पिछड़े वर्ग के हैं जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं तो हम लोग गांव में जाके उनका हेल्थ चेकअप करते हैं, उनको बीपी शुगर वाइटल जितने होते हैं उनका अर्ली डिटेक्शन करते हैं। उनका अर्ली डिटेक्शन से हम लोग जितना जल्दी अर्ली डिटेक्शन करेंगे उनका ट्रीटमेंट अच्छा होता है, तो इस कारण से हम लोग पिछड़े वर्ग में जाके इनका डिटेक्शन करते हैं, मुफ्त इनका वाइटल्स लेते हैं, जो दिक्कत होता है फिर जो गंभीर बीमारी रहती है तो उन्हें हॉस्पिटल बुलाते हैं। अभी तक कितने मरीजों की संख्या यहाँ पर आई, जान कितने लोगों की हुई? यहाँ अभी तक के 70 से ज्यादा हैं आए हैं, जिसमें सभी के हम लोग वाइटल्स लिए हैं, सभी के हम लोग जितने बीपी शुगर और ईसीजी का सुविधा किए हैं, और जो एक पेशेंट हमको सस्पेक्टेड मिले हैं कैंसर के मिले हैं पैसे, उसको मैं हम लोग के कैंसर इंस्टीट्यूट के एसएसबी की तरफ से फ्री इलाज करेंगे। ये बताइए कि जितने लोगों की जांच हुई है कितना संख्या बताया आपने? 70 से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भाग लिया, अपने जांच करवाया, किस तरह के मरीज ज्यादा मिले? इस देखिए ग्रामीण में ज्यादातर लोग को मतलब ज्यादातर वीकनेस रहता है, वीकनेस है, खान पान की कमी रहती है, ज्यादातर जो बेसिक होता है गंभीर बीमारी कम रहती है, वीकनेस रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कमजोरी रहता है, पल्स बीपिंग बस। आप यह बताएं यह जो क्षेत्र है यह चारों ओर से आउटसोर्सिंग से घिरा हुआ है, यहाँ पर प्रदूषण का बोलबाला है, प्रदूषण चरमोत्कर्ष पर है ना, तो प्रदूषण से फेफड़ा लंग बहुत सारा उसमें बीमारी होता है, इस तरह का कुछ पाया क्या आपने? इस तरह के पेशेंट देखिए अभी इस एरिया में उतने इन्फेक्टेड नहीं है कम्पेयर टू झरिया,
लेकिन अभी फिर क्या होता है ना कि जैसे हम बहुत से पेशेंट जो नॉन स्मोकर हैं वो भी लेकिन 8 सिगरेट डेली पीते हैं एनवायरमेंट के वजह से और एवरी 50 सिगरेट के बाद बॉडी में एक म्यूटेशन होता है जो लीड्स टू कैंसर करता है। तो मेरा ये कहता है कि ये पूरा कोल्डफील्ड एरिया ही में पूरा सभी को प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है या आने वाले समय में भी प्रॉब्लम है। आप इस शिविर के बाद आगे किस तरह का प्लानिंग करेंगे जो लोग प्रभावित हैं उनके निदान के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए? ये हमारे हॉस्पिटल टीम डिसाइड करते हैं, जो इन्फेक्टेड पाए जाते हैं तो फिर उनका हम लोग का ये टीम रहता है, ये जो योजना रहते हैं उनके थ्रू हम लोग उनका ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केसीएन टीवी चैनल से बात करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे जल्द। आप बने रहे हमारे साथ, केसीएन टीवी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।